कलम वाले थे और सारे तो मेरे यहाँ पर सबको याद रहेगी कहा था जो मारूफ है किताब चाहे सवाल थे कि हम पढ़े थे मखारिज का तफसीली बयान। फरमाते हैं हर मखरज के मुतालिक चार बातों का जानना जरूरी है। मखरज निकलने की जगह, खराजा के बाद निकलना, मखरज जहाँ से निकले तो निकलने की जगह जितनी है अदद नाम हरूफ और कस्म ये सब चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए एक हर्फ के बारे में, मखरज के बारे में, हर मखरज के बारे में। एक तो हम जानते हैं कि पांच आगाएं जाते बात निकलती है, कोई भी नाक, होंठ, जबान, हल्क और एम्प्टी कैविटी जिसको जौफ कहते हैं। और उसके अलावा 17 मखारिज जो हमने पीछे देखा कि इमाम खलील अहमद तराही जी के मुताबिक 17 मखारिज हैं, तो बस उसको सामने रखा है, ज़्यादा मशहूर हुई है, ज़्यादा उसी को लेकर चलते हैं। नंबर एक, अब उसके बारे में बता रहे हैं कि जौफ दहन से हमने बात शुरू की थी। जौफ दहन कहते हैं जौफ माने कैविटी, जौफ मेदे को भी इसीलिए जौफ कह देते हैं, जो खाली जगह उसमें आना जाने की रहती है, दो चीज़ों के दरमियान कोई कैविटी बन जाती है उसको जौफ कहते हैं। तो अफाल में नाकिसा जो होते हैं उनको अजवफ वो होता है जिसमें बीच में कोई कमजोर कमजोरी आ जाए, ये दोनों मजबूत है सही है और ये वीक आ गया अजवफ, इसमें भी कैविटी आ गई वीक लिंक है बीच में, तो जॉब्स का मतलब जिसमें बीच में कमी कमजोरी खुला हो। खैर तो वो कैविटी मुंह के अंदर जो कैविटी है साइड में आपके गाल आगे नाक ऊपर छत नीचे जबान इन सब ने जगह सी बनाई हुई, इससे खुरूफ निकलते हैं। जब आप बोलते हैं तो आवाज़ वहां से निकल के आती है और ये उम्मत आवाज़ बस खाली सीधी सीधी निकल जाती है, किसी चीज़ से इसका ताल्लुक नहीं, खाली जगह से ताल्लुक। तो जो हमने बात की थी पहले आवाज़ निकलती है मुख्तलिफ दिमाग से, दो सरफेस या तो टकराती हैं या अलग होती हैं, यूँ भी आवाज़ निकल सकती है और बाद में यूँ करके भी निकलती है आवाज़, अलग होने की भी आवाज़ है जो और चीज़ों से आती है। इसी तरीके से ये भी सरफेस का आपस में रहना ही है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जितने भी उनवान हैं किसी चीज़ के अंदर खुद इर्तियाश पैदा हो जाए, एहतजाज पैदा हो जाए तो उससे भी आवाज़ पैदा होती है। तो आवाज़ पैदा होने की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। ये जो वोकल कॉर्ड है इसकी हम बात कर रहे थे कि ये हिलने से, हवा जब बाहर निकालते हैं सांस बाहर निकालते हुए तो ये सांस फेफड़ों से होती बिलाकर ट्यूब से जिसको ट्रेकिया कहते हैं विंड पाइप, उससे आएगी इधर और यहाँ वोकल कॉर्ड है तो वो हिलेंगे, तो जैसे ही हवा आती है तो हिलते हैं, तो हिलने से आवाज़ पैदा होती है जैसा कि कॉर्ड से होती है गिटार हो या कोई भी, तो वो आवाज़ अब उसके डायरेक्शन आवाज़ तो एक मीडियम में तय कर सफ़र करती है ना, तो मीडियम क्या है एयर, तो रास्ते में पूरी हवा है ये ऐसे मेरी मुरादी जो हम हमारी इन्वायरमेंट है ये खला खाली खला नहीं, ये क्या कहना चाहिए एटमोसफेयर जो हमारी हमारे ये जो नॉर्मल है, अभी इस हवा को यहाँ से निकलते हुए बाहर जब आना है तो ये आवाज़ जो पैदा होगी वो बाहर आएगी इधर, लेकिन पीछे से प्रेशर पड़ रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, अंदर कोई नीचे जा नहीं सकती। बाहर आते हुए अब आपको उसको जबान से और मुख्तलिफ इन आज़ाए रईसा से चार पाँच जो है इनसे उस आवाज़ को चेंज करना है मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ कोई हरूफ बनते इसी बेस पर है कि जबान कहाँ जा रही है, कहाँ लग रही है, होंठ कहाँ लग रहा है, इसीलिए वो मखरज बहुत ही ज़्यादा अहम है। यानी ऐसा नहीं कि काम चल जाता है, सिर्फ मिलती जुलती आवाज़ निकाल दे तो काम चल जाता है। कल एक तालिबे इल्म ने सवाल किया कि वो उन्होंने किसी कारी को अपना कुरान सुनाया, कारी साहब ने उनसे कहा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में तुम्हारा पाँव सही नहीं है। एक दफ़ा दो दफ़ा बड़े कारी मदीना के यहाँ आए हुए थे तो उनको सुना, तो उसने कहा कि अच्छा, उन्होंने एक आध दफ़ा और बताया, मैंने फिर ट्राई किया फिर बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि किसी और शागिर्द से जो सीनियर था किसको ले जाओ वहाँ पर बिठाओ और फिर सिखा के लाओ, फिर उसने आके सुनाया, कहने नहीं अब तुम्हें 1 मिलियन रुपए पाउंड भी दोगे तब भी तुम नहीं सीख सकोगे, मुझसे मैं नहीं सिखा सकता तुमको, तुम या ऐसे ही मजाक फिर हंसते। तो उसने कल मुझसे कहा कि अच्छा मुझे तो तजवीज
नहीं आता हालांकि उसकी अच्छी तस्वीर ओवरऑल वो उसका भी ख्याल है वैसे भी सही पढ़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि नोकलक की जरूरत की जरूरत होती है तो है हमारे शागिर जब से तजवीज़ पढ़ी नहीं कहीं और पढ़ी है पहले तो उसने लिखा नहीं होगी उसने कहा तुम जो उसमें सिफते इस्तेला है वो तुम होठों से निकाल लो, तो आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। सिफत इस्तेला यानी उसको हैवी करना, जिसको हम कह देते हैं हैवी करना, वो हैवी करना भी बस क्या है, वो इस्तेला है उठाना, जबान की बेस को उठा के जो चीज अदा करनी है वो होठों को गोल करके गुजारा चलाते हैं भाई। आप कहते सही तो जो आदमी तो बोलते हुए होठों को गोल करे या ख बोलते हुए ऐसे करे, खो तो वो शो जो भी ऐसे कर रहे हो बेवकूफ आदमी उसको आता नहीं, इसका इस्तेमाल ही नहीं है। होठों का इस्तेमाल सिर्फ वाव में दम्मा में बस, और कोई लेटर नहीं जिसके लिए इसकी नजारिमों की जरूरत पड़े यानी गोल करने की। फा फा के लिए वो तो टच वाला खाली, इनको उसमें भी गोल करने की जरूरत नहीं। मा खाली मिलाने की जरूरत नहीं, बा टच करने की जरूरत है बस, ये कुल चार को निकलते हैं, तीनों में गोल नहीं करना है, खाली दम्मा में और वाव में करना, तो वहां करते नहीं, वहां कहते हैं वल्लदीना 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 करते हैं, करना जारी वहां करते नहीं, वो किसी को सुन से गलत दौ क्या किया ऐसे कुछ नहीं, तो करते रहो उसको दो बना दो कुछ भी कर दो, तो आप होठों का कोई ताल्लुक नहीं असलन तजवीद में, इन हरूफ को मुस्तानिया बनाने के लिए खुद सदर, तो उसको फिर मैंने बताया कि देखो ये करो होठ हिलने नहीं चाहिए, टच भी नहीं होती कोई तरह। फिर मैंने मिने शे फो 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 फो, इस होठ को ऐसा बोला कि गोल करे हिलेगा तो जाएगा तो बोलने में, मिने शे फो निर मिने शे फो निर फो 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 वो ऐसे हो जाएगी। वो बच्चों को शुरू में बताते हुए कहते जरा राउंड कर लो, अभी बेचारे से निकल ही नहीं रहा, उसको जबान की बेस उठाना समझ में नहीं आ रही, तो ऐसे कर रहा है मतलब दो थोड़ा सा वो कहते चलो राउंड कर लो हल्का सा, ताकि कम से कम उसकी शक्ल तो आए, उसको आवाज तो समझ में आए इब्तदान, लेकिन वो गलती है। लेकिन छोटे बच्चे को आप समझा नहीं सकते कि बेस उठाओ, वो तो बड़ों को नहीं समझा, इतने सालों में गिनती के चंद लोग हैं जिनको मैं समझा पाया खुद, तो उसको समझ में आ गई। तो मैं वहां पर एक हफ्ते रहा ये सीखने के लिए, लेकिन ये कि वो उन्होंने एंड में फाइनल असेसमेंट किए थे तो खाली कहने की मुझे अब तो समझ में आ गया, जो तुमको जानता हो वो तुम प्रॉब्लम क्या कर रहे हो तो बता सकता है, लेकिन जो बड़े उस्ताद होते हैं वो उनके पास टाइम थोड़ी, यानी वो उनके पास शागिर्द नहीं जाते पढ़ने, आम तालिबे उलमा जाते हैं पढ़ने, तो मदीने के बड़े शेख हैं, तो कोई उनके पास वो कहेंगे आपको इतनी देर सकते बताओ, इतने सारे लोग हैं मजलिस में, तो खाली सुन के वेरीफाई तो कर सकते हैं, सारी बैठ के तफसीलात तो कहाँ पढ़ाते फिर, तो उसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं। बहर तो खुलासा ये कि ये मालूम होना कि कौन सा लफ्ज मैं निकाल कहाँ से रहा हूँ, कौन सा हर्फ मैं अदा कहाँ से कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। आपको ये पता चलता होगा मसल मैं साफ बोलता हूँ लेकिन बोलता कहाँ से हूँ, और आप अपना टेंशन पे करते नहीं उस पर, पता नहीं कहाँ से निकलता है, क्योंकि होता क्या है हम लोग बोलते हैं लेटर्स फतह के साथ या दम्मा के साथ या कसरा के साथ जो भी, और बोलते हैं मुतहरिक, लेटर का नाम क्या सा, ये मजबूरी है हमारी, हालांकि इसको याद करने का या समझाने का ज्यादा अच्छा तरीका है कि इसको कहा जाए अस, ये लेटर क्या है अस है, जहां जब साकिन बोलते हैं तो ये कि हरूफ को फोनेटिक्स के तौर पे बताया जाए कि लेटर का नाम ये है, दूसरा ये बताया जाए कि उनको बोलना कैसे, यानी वो लेटर जब आप साकिन बोलते हैं तो दोनों सरफेस टकराती हैं, अर्थ तो आपको पता चलता है मखरज है का, अर्थ तो आपको याद रहता है अच्छा यहाँ है, जब आप उनसे कहते हैं कहो बेटा सा सा देखो कहाँ से निकल रहा है, कहते सा तो यहाँ से निकल रहा है, बेटा जबान की नोक नहीं लग रही,
शुरू वहां से हुआ था तो बेचारा शुरू का सोच ही नहीं सकता था, तो बौद्ध मत शुरू कहां से हो रहा है था, तो फिर चलो समझ लेते। लेकिन उमर उसके जहन में जाता है कि तो अह कहने में जरा आसान होता है कि आ, अब मैं तो आह, तो आपको खुद पता चलेगा कि कहां से निकल रहा है ना, आह कहने पता चल रहा है, पता लग रहा था उसमें। अब उसमें हरूफ हल्क पे जाइए नीचे से जरा, तो अब आप कहेंगे हमजा हा है ना, अब कहते हैं हमजा, हमजा यहाँ से निकल रहा है, हमजा कहते हमजा यहाँ से निकल रहा है, खाली ये समझ लो कि किधर से आ रहा है आ, और इसी से आ आ आ आ आ आ आ आ, तो जहां से आ निकल रहा है वहीं से आ निकल रहा है, करीब करीब। ये शायद अभी इसलिए समझ में नहीं आया कि ये दोनों में एक फर्क है, उससे फर्क का, लेकिन जब उसके अगले वाला बोलेंगे ऐसे ही तो फौरन समझ में आ जाएगा, इसलिए कि जहां से निकल रहा है उससे ऊपर आ, ये बात जो मिलना आ आ और आ आ आ आ आ या आ आ, जो भी बोल रहा है हमजा और आ आ आ आ आ आ आ, इससे ऊपर के लिए आ आ आ आ आ आ। अब ये बोलते हुए अगर आपके नीचे से ऊपर आना नजर नहीं आ रहा कि मेरे पास पहले नीचे से आ रही थी, अब ऊपर से आ रही थी, आप आ जा रहे हैं, आप तजवीज छोड़ दीजिए, आप जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहिए, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते, यानी समझाने के लिए तो यार आप वहां जाके बैठे सही ना। आ आ आ आ, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, उनको तो जरा मुश्किल है, बड़ों के लिए आ आ, उससे ऊपर आ आ आ, आ, आपको जगह फर्क ना पता चल रहा हो कि इनमें ऊपर नीचे कुछ हुआ है, जगह बदली है, उसकी घंटे प्रैक्टिस कीजिए घर जाके, और जब तक अकल में ना बैठ जाए बात उस वक्त तक करते रहिए, क्योंकि तो कॉमन सेंस होता है, इतना साफ तकफीर होता है कि पता चलता है। फिर उसके ऊपर आइए आ आ आ आ, इसमें नहीं पाया था कहाँ लगे चल रही है बात, और आ आ आ इन दोनों में अगर नीचे ऊपर का पता नहीं चल रहा तो समझाना आपको मुश्किल है, फिर और उसके ऊपर और तो बहुत जोर दीजिए जब तक कि वो इरिटेशन वाला होगा, लगेगा वो कहने का ये जगह जहाँ से निकल गई, उधर पता चलना चाहिए कि ये बाहर से अगर पेन हो तो आप लगा सको मार के यहाँ से निकल गए, और फिर आ मतलब बिल्कुल साफ पता चलता हो जब तक वहां से नहीं निकले आप समझ आओगे। जल्दी जल्दी पढ़ते हुए आप हमारे मस्जिद में इमाम साहब है, वो बहुत उनका पवन है ऐसा करते हैं वो, और वो ट्यून पे जो उनको वहां की तिलावत करनी है तो वो कभी कभी तो वो ट्यून में महम हो जाते हैं, ये ख्याल नहीं रहता कि जबान उसमें कहाँ जाए, ये बड़ा कौन लोग ऐसी मिस्टेक उधर करते हैं, इसलिए उनकी तवज्जो इस पर नहीं होती कि मुझे निकालना वहां से उस जैसी आवाज नहीं निकालनी, ये दो नंबर ही काम नहीं करना कि वो यहाँ से तार यहाँ से लगा दूंगा तो काम तो चल ही जाएगा ना, वो एग्जैक्ट वहीं से निकलेगा जब तक नहीं, जब तक वो अदा नहीं होगा। तो मखरज का ये इतनी तफसील मालूम होना बहुत जरूरी है, ये तो मखरज तो फर्ज के जरिए है, कहाँ से कोई लेटर निकल रहा है, तो जो अहले ज़बान है उनको मसला नहीं, जो वहाँ बच्चे पैदा होते हैं वो अब अम्मा से सुन सुन के वैसे अदा कर देते हैं, वो जैसा सुना है तो अपनी ज़बान में, जैसे उर्दू में होता था अपनी ज़बान सीख लेते हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं निकाल कहाँ से रहा हूँ, फिर गड़बड़ नहीं। तो सबसे पहले तो जौफ़ दहन का बताया, ये बस जो खाली है, ये खला भी का जो हिस्सा है, इसके हरूफ वो अलिफ वाव और या साकिना साकिना,
यानी इन पर जबर जेर पेश नहीं पड़नी है, तो ये हुरूफ मद्दा कहलाती है। तो हुरूफ मद्दा जो है वो तो साउंड है खाली, वो एक्चुअल उसका मखरज कह देते हैं खला, खला क्या क्या कहाँ से निकल रहा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है खला में, आप कहेंगे ये जितनी खाली जगह है ना उनमें भी नहीं हो क्या रहा है, वो बस नेचुरल निकल रहा है। ब कहने के बाद अब उसको लंबा करना है, उसको लंबा करना ये जो बाद वाली आवाज ब के बाद वाली खेतने की जो आवाज है वो है अलग अलग साकिर होता खाली, वो तो नेचुरल सीधी सीधी निकल रही है, उसके बाद वो आवाज जो आ रही है ये तो नीचे से निकल रही है, आप कुछ कर नहीं रहे अलग तो बस खाली खींच रहे हैं उसको, तो अलग तो उसका एक नाम दे दिया है, बस ये वो आवाज है, अगर आप किसी चीज को प्रोलॉन्ग करेंगे तो खींचेगी। इसी तरह बू आपने कुछ किया नहीं, नेचुरल आवाज जो मैंने बताया वोकल कॉर्ड हिलाने से आती, इसको बाहर निकलते हुए बस डायरेक्शन में आना, किसी से टकराना नहीं, खामोशी से खला में सीधा सीधा आउट, बिल्कुल किसी डिस्टर्बेंस के बगैर निकलना। इसी तरीके से इसलिए बाद लोगों ने उसको काउंट ही नहीं किया मखरज, इसलिए वो जो फर्क है 1600 का या वो पिछले बी कोई कहाँ से कोई सीधी सीधी साउंड है जो बाहर से आ रही बगैर किसी कनेक्शन के, ये आती है खाली जगह से, खाली जगह से इसलिए आती है तो किसी चीज को टच करने की जरूरत नहीं, नेचुरल उसको जितना प्रोलॉन्ग करते जाएंगे वो आपको वहां से होते जाएंगे। तो ये है हुरूफ मद्दा, इन्हीं को आप अरबी ग्रामर में जब ग्रामर पढ़ते हैं वगैरह तो उसमें उनको हुरूफ इल्ला कहते हैं, वीक लेटर अलिफ वाव या था ना जरा, तो ये मद इससे बनता है, ये अंग्रेजी में वाउल है, ए ई आई यू है वाउल है, ठीक है दर इधर जो आप आए लेकिन वो वाउल खींचने वाले बाद में लगे तब आप कहेंगे आ ए आई आ, ये तो थ्रोट का हमजा है, ए ई आई ओ यू, यू खाली छोड़ दीजिए, ए ई आई ओ, ये चारों जो है ये चारों हमजा है, अगर आप ऐसे बोलेंगे ए ए ए, 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 ए कहाँ से आवाज आ रही है अंग्रेजी में, लेकिन उनको बाउल बोलते हैं अलिफ बाउल, या हमारे यहाँ जो है ये साकिना है, इन दोनों में फर्क है। ये जब जब लोग इसको बाउल कहते हैं उसका मतलब ये था कि ये जब किसी लेटर के बाद लगा हो तो खींचने के काम आएगा, बी के बाद ए लगाइए तो कहते ये बाउल है, बोलिए तो ए, अच्छा ए बाउल है, ये अलिफ है, हाँ अलिफ कहाँ से अलिफ है, अलिफ तो हमजा है, आ इस ओ करके बोलेंगे तो हमजा बन जाता है, इंग्लिश में भी ऐसे बनता है। जब आप इसको आप ये कहिए कि ये बाद में लगाओ ए और बी और सी के बाद लगाए तो फिर देखो फिर निकलेगा वो अवाउल, जिसको जिसको जो हम पढ़ाना बताना चाहते बा निकल दिया, बी बू बाओ ब्यू व्हाटएवर करना चाहिए, अब उसमें क्या बऊ भी कर सकते हैं बई भी कर सकते हैं, जब आप बऊ बई कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, लीन बन जाएगा, लीन समझ में आया। तो ये हुआ क्या है, कुछ भी नहीं किया आपने, अपनी ये साउंड निकालनी कैसे है उसके लिए आपके पास एक डब्बा से नौ का बनाइए, तीन इधर तीन इधर, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, साकिन लेटर कितने होते हैं, ये तीन लेटर होते हैं साकिन, हो तो कोई भी सकते हैं, हम इन तीन साकिनों की बात कर रहे हैं अलिफ वाव और या साकिना की, यहाँ से लिख लेते हैं इन तीन लेटर्स में अलिफ वाव और या, इनसे पहले ये तीन हो गए, एक तीन का ऐसे थ्री बाय थ्री का बना दी करता, तीन ऊपर लिखे फतह बम्मा कसरा और अलिफ वाव या ऊपर लिख दी, अलिफ वाव और या, वाव और या और साइड में इससे पहले फतह बम्मा कसरा तीन हो सकते हैं तो नौ हो गए, लेकिन नौ में से सारे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ पांच एप्लीकेबल है, बस वो आपको समझना है, बहुत आसान सा काम अभी दिखा देते हैं आपको थोड़ी देर, यानी उसको मत देखिए इधर देखिए वो बना ले तो फिर समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ गया ना कि क्या होगा, जब भी साकिन होगा कोई लेटर अलिफ वाव अलिया तीन साकिन है, इनसे पहले अगर ये साकिन है तो क्या मतलब है, इनसे पहले कोई ना कोई, इधर देख भाई, इनसे पहले कोई ना कोई हर्फ होगा और उस हर्फ पे जबर जरूरी है कि जबर जेर पेश में से कुछ हो, उसके बगैर वो बोला नहीं जा सकता, ये तीन ही हो सकते ना, आप कहने इससे पहले वाला भी साकिन होगा तो फिर ये साकिन नहीं होगा, ये साकिन नहीं हो सकते अगर इनसे पहले साकिन ना हो, इनसे पहले भी साकिन हो, अलिफ भी साकिन वाव भी साकिन या भी साकिन उससे पहले भी साकिन, तो आप वो साकिन कैसे अदा करेंगे,
उनमें से हर एक के पास जबर जेर पेश में से कुछ होना चाहिए, ये कॉमन सेंस है कि नहीं? वो कॉमन, अगर ऐसा करें अलिफ जबर जेर पेश तीनों हो सकते हैं तो कितने होने चाहिए, अलिफ वाओ या तीनों के साथ 3/3 क्या होगा? नाइन, तो 9 डब्बे हुए है ना। अलिफ से पहले जबर, वाओ से पहले जबर, या से पहले जबर, अलिफ से पहले पेश, वाओ से पहले पेश, या से पहले पेश, अलिफ से पहले जेर, वाओ से पहले जेर, या से पहले जेर, हो गए तीनों। लेकिन अल्लाह ने फजल फरमाया कि अरबों ने कुछ लिया रियायत की, सारे बोलते नहीं, बहुत सी जबानों में होता है, हमारे अरबी में नहीं होता, अरबी में सिर्फ इनमें से 5 है, 9 में से 5, कौन कौन से नहीं उनको क्रॉप कर दीजिए। अलिफ से पहले सिर्फ जबर होगा, अलिफ से पहले सिर्फ और सिर्फ जबर हो सकता है, जेर कभी नहीं होगा और पेश कभी नहीं होगा। ये आपको मालूम है, आपने कभी जिंदगी में बोला ही नहीं, बगैर लिखे भी नहीं, लेकिन ये कि वो सोचते नहीं तो खैर, अच्छा हाँ बात तो यही, अलिफ से पहले कभी हो सकता है, अलिफ से पहले पेश होगा तो क्या बोलेंगे, बुआ क्या बोलेंगे, बु के बाद अलिफ बोल के दिखाइए, किसी का बाप नहीं बोल सकता तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी जबान में नहीं है ये मामला, अलिफ के साथ यूनिवर्सल है। नंबर एक, नंबर दो ये कि क्या अलिफ से पहले जेर हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता, बी आ नहीं हो सकता, बी आ हो जाएगा वो अलिफ थोड़ी बोल रहे हैं, हमजा बोल रहे हैं फिर अलिफ बोल रहे हैं, इससे पहले तो हमेशा अलिफ से पहले, हमेशा हर जबान में, यानी ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि अलिफ से पहले जबर के अलावा कुछ हो, और ये भी पॉसिबल नहीं कि अलिफ से पहले जबर न भी हो, यानी हर हालत में होगा और जबर ही होगा, ये ऐसा एब्सोल्यूट है कि इसको तब्दील नहीं किया जा सकता, इंसान नहीं कर सकते, सही है, जिनों की जबान में होता है, तो ये तीन में से एक ही रहेगी पॉसिबिलिटी, बाकी दो में दो दो पॉसिबिलिटी है, एक वो है जो हमने भी बी, तो या के साथ कसरा आ सकता है और वाव के साथ दम्मा, ऊ, बू, तू, और इन्हीं दोनों के साथ जबर भी आ सकता है। अब वाव से पहले अरबी में और जबानों में हो सकता है, अरबी में वाव से पहले कसरा नहीं होगा, बिव नहीं होगा, उर्दू में होगा, इंग्लिश में होगा, है ना, वो बिफ करना कहते हैं, वो वाव से पहले जाएंगे तुम्हारे अरबी में, वो नहीं होगा, अलिफ से पहले, वाव से पहले दम्मा होगा और फतहा होगा, उसको अरब कहते हैं, हमें ये बिफ बोलना मुश्किल लगता है, हमें मुश्किल लगता है, वो उसको फतहा दम्मा से बदलेंगे, वो तालील हो जाएगी उसके अंदर, उनकी मर्जी है, तो अरबी में आपके पास उससे पहले कसरा नहीं होगा और या से पहले दम्मा नहीं होगा। हमारी जबान में बहुत आसान है, बुई बुई बोलना क्या मुश्किल है, बोल सकते हो बुई, कोई मुश्किल ऐसा काम नहीं है ना, लेकिन अरब कहते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल है, या से पहले हम दम्मा बर्दाश्त नहीं करते, हमारी जबान मुश्किल है, सही है ना, समझ में आया, तो अब आप उनको अगर हटा देते हैं तो कितने बच्चे, इनमें से जो कोरेस्पॉन्डिंग है, तो अलिफ से पहले पथा वही एब्सोल्यूट और हमेशा होगा, इसको कहते हैं ये हुरूफ मद्दा में से पहला हो गया, वाव से पहले दम्मा बू बा बू, ये हुरूफ मद्दा में से दूसरा हो गया, और या से पहले कसरा बी, ये हर हालत में कसरा की मद्दा हुरूफ, ये तीनों हुरूफ मद्दा है, इनके बराबर में वाव और या से पहले जबर जबर भी आएगा, बई बऊ बऊ बई तऊ तई सऊ सई, ये अरबों ने इस्तेमाल किया है, को कहते हैं लीन, लीन का मतलब होता है आपने स्लांट कर दिया उसको, नरमी कर दी, बजाय से आप उसको बू बोलते, बू के मुकाबले में बाउ बई ताउ ताई, ये दोनों जो है लीन कहलाते हैं, बस उनका नाम लीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी, बाकी सब वही उसूल कवायद वही रहेंगे, सही है, ये पांच हो गए, ये पांचों के पांचों एम्प्टी कैविटी से निकलेंगे, जारी पता अले बाऊ या साकिना तो हमेशा वहीं से निकलेंगे, वो प्रोलोंगेशन की आवाज़ें खाली, और वो ये एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ सीधे सीधे निकल आए, उनमें अरबों ने खाली ये पांच पॉसिबिलिटीज रखी हैं, चार नहीं रखी है, इसका मतलब नहीं कि और जबानों में नहीं हो सकती, अलिफ में तो कभी नहीं होगी, वो यूनिवर्सल है, बाकी दोनों और जबानों में बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, अरब इसको पसंद नहीं करती, जाहिलाना हरकत रखती है, जबान जो इस तरह से करना, ये हो गया पहला मसला, तो ये आसान है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, अब हल्क में आ गए, वही हम बात करते थे, उससे जरा ऊपर आए, अब आप नीचे से चल रहे हैं, एम्प्टी कैविटी को हमने वैसे कर लिया क्योंकि वो एक बाहर भी थी, अब आप नीचे से यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो बहुत आसान है मुखारिक का समझना, हमजा आए, ये दोनों पैरल सात एक दूसरे के चलते, उनके जस्ट ऊपर
आओ 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 दो कितने पॉइंट हो? 3 पॉइंट काउंट किए गए। वैसे तो ये 3 पॉइंट नहीं है, 6 पॉइंट है, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट एक जगह से नहीं निकल रहे, इसीलिए आपको नजर आ रहा है बाद में उसको अलग अलग पॉइंट जब काउंट तो बहुत ज्यादा हो गए, जितने लेटर होते नहीं तो करीब निश्चय उसी के फिर हुक्म ही होता है ना, तो दोनों करीब करीब है, तो जब दोनों करीब है तो कहते हैं एक ही लेवल पे काफी ज्यादा करीब करीब है, तो बजाय इसके अलग मखरज रखे, एक मखरज दो आवाज, तो एक मखरज दो आवाज, एक मखरज दो आवाज, एक मखरज दो आवाज, इसलिए आपको ऐसे ही याद करना है, अलिफ बे से याद मत करिए, आपको हमजा हा आई हा गैन का नीचे से ऊपर आते थे, हमजा हा आई हा गैन का ऐसे करेंगे यार तो आपको जिंदगी में आसानी रहेगी, पढ़ना पढ़ाना भी समझना भी, नीचे से ऊपर चलते हैं हमजा हा आई हा गैन का, ये हो गया यूं आप इसी तरह से बोल सकते हो रवानी के साथ, मुतहर्रिक भी और साकिन भी, ये आपकी प्रैक्टिस हो गई, उससे फिर ऊपर थोड़ा सा आ जाइए, अब आप जैसे थ्रोट आपने मुकम्मल किया उसके फौरन करीब क्या आ रही है जबान, और जबान की वो बेस, ये जो बेस है अभी पूरी जबान पड़ी हुई है इसकी, ये बेस है, ये हिस्सा उठा के अब यहाँ से कॉफ निकलता आप बाद में करेंगे, फिलहाल आप में रखेंगे निकल कहाँ से रखो, दोनों करें और आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से और यहाँ से ऊपर नीचे का फर्क नजर आ जाए, वो जबान किस जड़ है जिससे आवाज आ रही है, और उससे थोड़ा सा आगे आ जाइए तो इन दोनों में आपको फर्क समझ में आता है कि हम थोड़ा आगे आ गए, काफ में थोड़ा आगे आए, नीचे से चढ़ते चढ़ते आईना गैन खा फिर फिर ता, तो ये उसकी जो जबान की जो ऐसी जबान पड़ी हुई है रोड से आते हुए उसको उठाते हुए उठाई और उससे जरा नीचे उतरने लगे जबान की तरफ स्लोप में, तो अब आपको यहाँ पर ता और आगे अब यहाँ तक हो गया, इसके बाद के अफसर लिसान के बाद अब यहाँ पहुंच गया, अब बीच पे आ जाइए, बीच के जो तीन है यहाँ से आते बीच के तीन, बीच में दायरा जबान के सेंटर में आ गए, जबान के सेंटर में क्या है तीन हरूफ जीम या शीन, जीम या शीन उनको जैश बताने के लिए उनको कहते तो शजरी, वो आगे नाम उनके अभी नामों पे छोड़ दूंगा, नाम से दादा नाम से कह रहे हैं जो भी हो, लेकिन आपको फिलहाल ये पता हो कि निकल कहाँ से रहे, ये जबान की अब ये ऊपर आके यहाँ है, अब सेंटर ही रह गया, एक सेंटर पार्ट रह गया, जबान की साइड रह गई है, टिप रह गई है, आगे का हिस्सा ये हिस्से रह गए, उनके भी निकलेंगे लेटर, तो जो बीच का हिस्सा है इससे तीन निकलते हैं, और वो उस वक्त निकलते हैं जब इस इन तीनों को आप छत पे लगा दें, इनको कहते हैं छत से लगा दें, दीवार से लगा देते हैं छत पे लगा दें, ठीक है ना सर, जूते हमारे जूतों के हमारे नहीं, हमारा कोई पता नहीं, हमारा कोई पता नहीं, नहीं रख सकता, अगर किसी ने रखा है तो उसको अभी मुर्गा बनाइए जूते बना, हाँ वाह गलत है, मुझे उम्मीद है कि मेरा दावा बिल्कुल दुरुस्त है, नहीं वो मेरे मैं जब दाखिल हुआ था तो वहाँ पड़े हुए थे नीचे, मुझे मालूम है आपने से कितने रखते हैं नीचे, अगर चप्पल छोड़िए जूता छोड़ा है तो फौरन दफा होकर सही कर लिया उसको, कबल इसके कि मुझे दोबारा पता चले, कितने दिन बाद रैक में होगी ना, ये मुझे कहीं बगैर मालूम होना चाहिए, तस्वुर ही नहीं आप समझ लीजिए उसमें तो सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए कह नहीं सकता उसकी सजा क्या है, वेद भी गिनते हैं घर में भी नहीं करना चाहिए, उन अदब से सीधा रखना चाहिए जगह, अगर घर में भी ये करते हैं तो उसको ठीक कर ले बिल्कुल सही लेना, तो तरीके से अदब से सब रख रखाव सीखना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो, हमारे किसी अमल से दूसरे को तकलीफ ना हो, वो तो मैं जब एंटर हुआ था बाहर पड़े हुए थे मैं उसको समझ रहा था कि हमारे किसी ने किया तो मैं हमारा कोई बंदा था ही, अगर समझ कभी जमात आई हुई है या कोई जमात के लोग बच्चे बेचारे छोटे छोटे उन्होंने रख दिया ऐसी बात, तो है तो ये हो गया, अभी जबान की भी जीन शीन और या, अब ये तीनों के तीनों ऐसे निकलते हैं कि आपको इसको हल्का सा जबान को उठा के छत से लगाना है, अब
इसमें फर्क ये होगा कि कहाँ ये चिपक गया ऊपर जाके शब्द निकल रहा है, कहाँ हल्की सी जगह छोड़ के निकल रहा है, वो उसकी सिफात के फर्क की वजह से। बस आप खाली ये ध्यान में रखें कि अभी मुझे बीज ऊपर लगाना है, तो आपने बीज ऊपर लगाया ऊपर लग रही है, खाली बीज कैसा है। देखिए आप नोक कहीं इस्तेमाल इसमें ले, आपके जन्म के बाद ऊपर जाते हो तो सारी बात नोक को साइड में रखकर जाने तब बीज का हिस्सा ऊपर, वो तो कोई साथ ही लगा है ना, पार्ट अलग अलग नहीं है, जबान की साइड भी ऊपर तो जाएगी लेकिन बीज का हिस्सा वो इत्मीनान के साथ ऊपर है। आज जो आवाज कहाँ से निकल रही है, आज जब बीच से अश तो वे ऊपर निकल रही है, लेकिन फर्क क्या दोनों में, आज जिसमें आपने टच कर दिया है बिल्कुल, और अश पूरी जगह खाली, और या या लेकिन इसीलिए आई 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 वो आ या साकिना का जो खाली निकल रहा है उसकी बात नहीं हो रही, आई आई बीच के खाली ऊपर लग गए ऊपर दोनों में, लेकिन गैप थोड़ी सा छोड़ता है लेकिन उतना नहीं, ऐसा हल्का सा कप सा बन के ऊपर टच होता है, दोनों में हल्का सा फर्क है। आई 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 आवाज को जरा ऊपर लगाते टच करते, तीनों बीच में तालू से लगे, ये तीन हो गए। इसके बाद साइड जो है जबान की, जबान की साइड, अब आप राइट को ले ले या लेफ्ट को ले ले, पूरी आपने बीच कवर कर लिया, अभी साइड रहेगी ये लंबी साइड, इधर और इधर, ये राइट ये लेफ्ट जो भी, इसको आपने ऊपर की जो अबदाड़े ये सारी इसमें उधर टच करना, लेफ्ट या राइट जहाँ भी करें, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ वो है और जिसको जैसे भी लगे, लेकिन अब उसमें लगाना, लेकिन दोनों भी लगा सकते हैं, आओ आओ आओ, लेकिन आवाज वहां से आनी चाहिए। अब करते क्या है कि ज़बान आगे से आओ ये करते आओ, अगर यहाँ से आवाज आई तो गलत है, आवाज यहाँ से आएगी तो गलत होगी, ज़बान की टिप से आवाज निकलनी चाहिए, वो आपको कैसे पता चलेगा, हल्की सी भी वाइब्रेशन आपको ज़बान की टिप से महसूस हो, आओ ये आपने ये बिल्कुल पढ़ी हुई है, खाली मजबूरी है कि आप खोल नहीं सकते, वरना आप उसको साइड में पार्ट्स अलग कर सकते हो, आप उसको पार्क कर दे साइड में, उसको देखे तब भी साइड करेंगे, आओ आओ उसमें हल्का सा गाल खुल जाता है इब्तदाई तौर पे, ठीक है प्रैक्टिस ना होने की वजह से फिलहाल ऐसे प्रैक्टिस करें, लेकिन निकलना साइड में, आओ जबान की टिप उसमें बिल्कुल इंटरफेयर न करें, आओ आओ, और उसमें चूंकि एक सिफत इस्तेमाल है कि तो आगे घिस जाती है, कैसा रगड़ा खा गया। अब इसमें दो राय है, उसकी तफसील इंशाल्लाह मैं आपको बयान करूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा कि इसकी तफसील बयान कर दें कि इख्तिलाफ क्या है, वाद है क्या, वाद है वाद, इसकी सिफात वाद की तरफ ज्यादा मिलती है या इसकी सिफात दाल की तरफ ज्यादा मिलती है, सारे बोलने में जगह ये है मखरज, यही क्योंकि आपको अरब दुनिया में अक्सर लोग इस राय को लेते हुए मिलेंगे जिसको वलब वॉलिन की तरफ करना चाहिए, और गैर अरब पॉसिबल अरब भी पॉसिबल है, तो ऊपर से तो उन्हीं का इख्तलाफ है, हम तो जारी में अरे जबान नहीं तुमसे सीखे हमारे लोग करेंगे, तो वो उन्हीं का इख्तलाफ है, उसकी तफसील इंशाल्लाह। खैर तो वो वॉ करते मैं तो उसका सीधा सा हल ये जानता हूँ कि जो भी करना करो निकालो यहाँ से, मखरज अपनी जगह से निकलना चाहिए, वरना उससे मिलता हुआ करीब करीब कहीं से भी निकाल दो, अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मखरज तो मखरज है, हल्की सी ड्राइव करके जब ऊपर आती है ना, वो सिर्फ इसलिए आती है कि वो सिफत इस्तेपाला की वजह से उनको लंबा करने के लिए, लेकिन मखरज के लिए नहीं, हाँ इस्तेपाला के लिए, हाँ इस्तेला नहीं, इस्तेपाला ये अलग सिफत है, वो लंबा करना, मखरज जो है इसका अदा होने में थोड़ा सा लंबा है, इसमें थोड़ी सी लंबाई है, लंबाई से मुराद ये कि इलोंगेटेड है मखरज, जैसे उन्होंने तो मखरज होता है कि आया उधर से खत्म हो गया, अब आप उसको लंबा करना चाहें तो कर सकते हैं, खुद का बौद्ध को करना पड़ता है, वो सिफात की तफसील में वहां बयान करेंगे उसको बाद में, अभी आप इसकी फिक्र न करें, अभी आप खाली देखें इन्होंने बौद्ध के बारे में जो लिखा है कहा है अगले सत्र पे हो, वो जो इस स्पेसिफिक सिफत के बारे में वो 16वें सबक में, अच्छा जवाब, ठीक है बहुत अच्छा।
अच्छा आगे आ जाइए अब। हाँ अब लाम बहुत आसान है, लेकिन उसमें हमारे यहाँ भी इसमें भी गलती करते हैं। असल में उर्दू में जब लाम बोलते हैं अल, तो हमारे बहुत थोड़ा सा लाम के लिए टिप टिप करते हैं, सबसे थोड़ी सी कहते हैं। उर्दू का कोई लफ्ज आप इसमें इस्तेमाल करें, इस्तेमाल इस्तेमाल करें, इस्तेमाल ये लाम से शुरू करें, मसलन कोई आप बोला जाए लालू खेत हो क्या, लालू खेत लाहौर जाना, लाहौर जाना, वही लाहौर, लाहौर तो बोल सकते हैं सब, लाहौर लाहौर, कितना छोटा सा टिप का हिस्सा है जो आप इस्तेमाल करते हैं लाहौर, हमारे यहाँ थोड़ा सा इस्तेमाल होता है लाम। यहाँ के अंग्रेज ये और थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं या सिमिलर करते हैं, लेकिन कम करते हैं रिलेटिवली, तो उनका लंदन लंदन। अमेरिकन वो टच ही नहीं करते, बस उससे करीब ले जाते खाली, एल एल उनका एल 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 हो गया, लाम हो गया, ये लाम हो गया, कौन सा लाम है वो बोलते हो वैसे ऐसे करेंगे, यानी उसको साकिल बोलते हुए नहीं कर देते, उसकी आगे तक जाने की जरूरत नहीं। वो असल में इंसान जबान तो आसानी के लिए होती है ना, तो जिसमें आसानी है वो करेंगे, उनको जिसमें आसानी करती है तैयार है, उसको तो गलत सही की बात नहीं होगी, तो वो गलत नहीं, किसी का भी गलत, आपकी जबान है आप जिस तरह क्या बोलो, आपको जिसमें कम्फर्ट चाहिए सब लोगों को करते हैं, वो मसला नहीं। लेकिन आप ये मत कहें कि मैं बोल अरबी रहा हूँ लेकिन बोलूँगा बंगला में या हिंदी में या उर्दू में, ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं वही जबान बोल रहा हूँ, ठीक अपनी जबान में इस्तेमाल करते रहिए लेकिन दूसरी जबान की टांग मत, ये तोड़ी तो बता दी कभी मुझे यही आता कम से कम, आप उसका चैम्पियन बता करना पेश की। खैर तो ये जो है ये लोग कम, अमेरिकन थोड़ा सा कम, हम अरबी में और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उर्दू से ज़्यादा, तो वो करते हैं पूरी उसकी जो फ्रंट है पूरा आग जो बनता है ये सब लग रहे, तो बोलेंगे अल, इसीलिए वो जरा सा ऐसे बहुत करना नहीं चाहिए लेकिन हल्का सा खिंचता है साइड में, ऐसे अल अल करके होते हैं, इसीलिए अक्सर लोग जब लाम अरबी में बोल रहे होते हैं अलहम्दुलिल्लाह कोशिश करता है अलहम लाम के भी तवज्जो दे, हर चीज की तवज्जो अल्लाह, तो वो ऐसा सा गोल कर देते हैं नाम को मोटा करने में, कोई वोट कर से कहता है अल्लाह अकबर, इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था, तो अल्लाह खाली हल्का सा जबान को पीछे से किस तेला में डाल दे अल्लाह, अगर वोट ऊपर नीचे ना, ये जबड़ा ऊपर नीचे ना करना हो तो आपको पता नहीं चलेगा वोट खेल रहे हैं बगैर बोले में कुछ होगा नहीं हजरत, आवाज अल्लाह हल्का सा बोल रहे थे अल्लाह से पहले पत्थर कसरत और दम्मा तो ऐसे भारी बोल, लेकिन पूरी जबान ज्यादा नहीं चले टच कर दिया पूरी ज्यादा, तो ज्यादा जबान लगती है अरबी में, ज्यादा जबान जबान का ज्यादा हिस्सा, इसीलिए जब ज्यादा जबान लगेगी तो आप मुंह खोल नहीं सकते, जितना मुंह खोले जितना आपको टिप लगानी है उतना आपको मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हिस्सा आगे का लगाना जिसको सुनत करनी पड़ वो उतना कम करके चले, सही है ना, आपके अल्लाह अल्लाह उर्दू में अल्लाह 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 थोड़ा सा मुंह खोल कर क्या होते बोल सकते हैं और जबान मिलेगी अल्लाह अल्लाह अल्लाह।